हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी एक्स सर्विसमैन, जिसमें कि JCOs, ORs और ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अभी जो लेटेस्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया हुआ है और इस अपडेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसमें जो है लगभग जो है 7 से 8 पॉइंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो कि अभी जो भी एक्स सर्विसमैन जिनको कि ये इस टाइम पे जो है कोई भी इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने में जो दिक्कत आ रही है, तो अल्टीमेटली अगर इन 21 दिनों के अंदर वो चीज़ जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, जिससे कि जो COVID-19 है वो ना फैल सके, तो आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे अगर हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, उसको किस तरीके से जो है पूरा करना है, उसको किस तरीके से जो है उस कमी को जो है दूर करना है, और उसके लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड जो है एक लेटेस्ट जो है मैसेज आया हुआ है, अपडेट आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और किस तरीके से आपने उस इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि सिर्फ JCOs, ORs और ऑफिसर्स के लिए है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये अपडेट बेसिकली जो जो भी एक्स सर्विस मैन है जिन्होंने कि ECHS की मेंबरशिप लिया है, तो इस 21 दिन के लॉकडाउन में ECHS की तरफ से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो 6 मैसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जो 21 दिन का लॉकडाउन है, सो एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट दैट, और ECHS बेनिफिशरीज शुड बी इन्फॉर्म टू कॉल टू OICMO एंड सीक टेलीफोनिक एडवाइस फॉर ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली क्या है कि अगर कोई भी डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है तो आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। MO शुड एडवाइज़ द पेशेंट टू गो टू द इम्पैनल हॉस्पिटल इफ़ दे आर सीरियस, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले MO से बात करेंगे, और MO जो है ही विल डिसाइड कि अगर तो बहुत सीरियस है तो देन इम्पैनल हॉस्पिटल में जाना है। अगर फ़ोन पे ही जो है कुछ कंसल्टेशन दी जा सकती है, एंड दैट विल बी डन। सो ऑल ESM टू अवॉइड अननेसेसरी इनकन्वीनियंस टू फॉलो प्रेजेंट ऑर्डर्स ऑफ लॉकडाउन। इसके अलावा बेसिकली ऑल इलेक्टिव प्रोसीजर्स टू बी अवॉइडेड, जो भी सर्जरी और इन सब तरीके की जो भी प्रोसीजर्स हैं दैट विल बी अवॉइडेड, एंड रेफरल, और इसको तब तक डिले कर सक किया जाना चाहिए जब तक कि उसको मेडिकली उससे कंट्रोल किया जा सके। मतलब कि अगर दवाओं से उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, सो दोज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। इसके अलावा दोस्तों, इन्फो ECHS बेनिफिशरीज अबाउट द लेटेस्ट ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, और जैसा कि ECHS ने पहले ही ये मेंशन कर दिया था कि आप जो है एडवांस में परचेज कर सकते हैं और उसका आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। और जो COECHS का जो मैसेज आया था ऑन ग्रुप, उसमें लिखा था कि शुड बी ऑल्सो बी इन्फॉर्म टू ऑल ECHS बेनिफिशरीज, इंक्लूड सस्पेक्टेड एंड कन्फर्म केसेस कॉलम इन डेली रिपोर्ट। तो अल्टीमेटली दोस्तों, ये स्पेसिफिकली जो ECHS है उनकी तरफ से जो है लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें कि लॉकडाउन को फॉलो करने की बात की गई है, और अगर कोई इशू आता है तो यू कैन रेफर ऑन टेलीफोन, और इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन ओनली यू विल बी एडवाइज टू गो टू द इम्पैनल हॉस्पिटल, अदरवाइज इट इज़ बेटर दैट यू शुड टेक मेडिसिन, और इफ़ पॉसिबल इफ देर इज़ एनी प्रोसीजर टू बी डन दैट शुड बी डिलेड अंटिल इट कैन बी कंट्रोल्ड मेडिकली। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स फॉर ऑल एक्स सर्विस मैन, JCOs, ORs, ऑफिसर्स हु हैव टेकन ECHS मेंबरशिप। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।